हैं मेहताब भाई, जिन्होंने प्रयागपुर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। मेहताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए गोंडा बहराइच रूट पर पड़ने वाले प्रयागपुर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं, जहां पर वायरिंग का काम शुरू कर दिया गया है और काफ़ी हद तक वायरिंग का काम पूरा भी कर लिया गया है। हालांकि यहां पर अभी वायरिंग का काम एक दो दिन और चलेगा, क्योंकि कंप्लीट वायरिंग का काम अभी नहीं हुआ है। यहां पर प्रयागपुर रेलवे स्टेशन बहराइच ज़िले में आता है और यहाँ से नज़र डालिएगा तो देखिएगा ओएचई वैन के साथ फ्लैट वैगन पर जो वायर के बंडल हैं वो भी हैं, लगे हुए हैं। इसके साथ कैंपिंग कोच भी है। तो फुट ओवर ब्रिज से अब नज़ारा देखिएगा, हम आप लोगों को चारों ओर का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वायरिंग हो रखी है, आप लोगों को ये वायर नज़र आ रहे होंगे। सामने ये गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन की दिशा हो गई और देख सकते हैं तो वायरिंग का काम यहाँ पर कर लिया गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओएचई वैन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई और ये बहराइच की दिशा हो गई है, सामने देख सकते हैं। तो 2 प्लेटफॉर्म हैं, 3 ट्रैक्स हैं यहाँ पर, और वायरिंग के जो आपको तार हैं वो बहुत हल्के नज़र आ रहे होंगे, स्पष्ट आप लोगों को नीचे से ही नज़र आ रहे होंगे। जिनकी बहुत तेज नज़र होगी वहीं देख सकते होंगे कि वायरिंग किस तरह से यहाँ पर हो रखी है। तो एटलीस्ट अगर वायरिंग के काम की बात करें तो चिलवरिया से विश्वेश्वरगंज तक वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें प्रयागपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। तो अब नीचे हम लोग आ गए हैं, अब नीचे से आप लोगों को दिखा रहे हैं तो नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को वायर बीच में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए वायर नहीं हुआ है, मेन लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए वायरिंग का काम कर लिया गया है। आप यहाँ से नज़र डालिएगा तो गोंडा से बहराइच के बीच में तेज़ रफ्तार से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर तक जो वायरिंग का काम है वो गोंडा से बहराइच के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा और नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में गोंडा से बहराइच के बीच में CRS स्पीड ट्रायल इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संभव है। इसके बाद एक और ज़रूरी बात है, गोंडा वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानकारी देनी है, वो अगले वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। तो यहाँ से नज़र डालिएगा, ढेर सारा रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, ये प्रयागपुर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड। इसके अलावा बहराइच रेलवे स्टेशन पर ओएचई मास्ट डालने का काम भी कर लिया गया है और संभावना यही जताई जा रही कि इसी हफ्ते में उसे 90 डिग्री पर भी सेट कर लिया जाएगा। ड्रॉप आर्म्स और ब्रैकेट्स लगाने का काम भी कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऐसा ब्रैकेट्स है जिसमें अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है उस पर वायरिंग का काम नहीं हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा तो सिंगल वायर ही लगा हुआ है। तो अभी वायरिंग के काम में कम से कम 1 से 2 दिन और भी लगेंगे यहाँ पर, तब जाकर कंप्लीट होगा। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं गोंडा बहराइच रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजा जा सकता है या टेलीग्राम के माध्यम से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप लोगों को पूरे स्टेशन से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायरिंग हो रखी है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ढेर सारा रॉ मटेरियल। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, एक नए अपडेट के साथ।